सऊदी अरेबिया ने अभी हाल में परमिशन दी, इजरायली जितने भी प्लेन हैं वो सऊदी अरेबिया के एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो इस्लाम को कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को मानना पड़ेगा। खुद को इस्लामिक देश कहने वाले और इनके संगठन ओआईसी को यह खबर जरूर देखनी चाहिए। सुन लीजिए कैसे चीन पूरी दुनिया के सामने इस्लाम में बदलाव करने को कह रहा है। इस वक्त दुनिया रियलाइन हो रही है। जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं, और जो दुश्मन थे उनमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो दोस्त बन रहे हैं। कि इस वक्त की रियलाइनमेंट दुनिया के आइंदा आने वाले मुस्तकबिल करीब या कुछ आप साल आगे चले जाइए, उस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालें। ने ये दिखा दिया कि अरब कंट्रीज इसराइल को अब उस तरीके से अछूत या अनटचेबल नहीं मानते हैं जिस तरीके से पहले माना जाता था। और भारत में जाके ईरानी जो है वो वहां पे मोदी के जूते चाटना शुरू। चीन ने पूरी दुनिया के सामने कोई ढकी छुपी भाषा में नहीं, कोई किसी शर्मा शर्मी में नहीं, खुलेआम ऐलान कर दिया कि चाइना में सिर्फ उतना ही इस्लाम माना जाएगा जितना चाइना की पॉलिसी जो है, जो चाइनीज़ सरकार की पॉलिसी है कम्युनिस्ट पार्टी की, उसके दायरे में आता है। और चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी पॉलिसी क्या है? पहली बात है कि बाकायदा ऐसा मस्जिद वगैरह का कुछ एक सिलेक्टेड मस्जिदें सिर्फ हैं, वही चल सकती हैं। उसके अलावा ज़्यादातर मस्जिद 90% जो मस्जिदें हैं वो भी नहीं चलने दी जाएंगी। ना आपको ऐसी वेशभूषा जिसमें टोपी वगैरह आती है ये सब कुछ कर सकते हैं, ना कहीं खुले में नमाज, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं, ना दाढ़ी वाढ़ी, किसी भी तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कि आप एक मुसलमान कपड़ों से, कल्चर से, किसी किसी चीज़ से, और ना ही आप पब्लिकली किसी भी तरीके से अपने धर्म का कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस हम लोग आखिरी में चर्चा करते हैं, पूरी चीज़ क्या है, पहलो धर्म चलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि उनके देश में इस्लाम को चीन के अनुकूल ही होना चाहिए। शी जिनपिंग ने ये बात शिनजियांग राज्य के अधिकारियों से कही है जहां वो 4 दिन के दौरे पर पहुंचे। बता दें शिनजियांग चीन का वही राज्य है जहां पर वीगर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। शी जिनपिंग ने यहाँ अपने अधिकारियों से कहा है कि इस्लाम को चीन के अनुकूल बनाना चाहिए और समाजवादी ढांचे को अपनाना चाहिए जिसका चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधित्व करती है। शी जिनपिंग ने कहा कि सभी समुदायों को इस तरह से शिक्षित और गाइड किया जाए ताकि उनकी पहचान उनकी मातृभूमि चीन की संस्कृति, कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद के साथ ही मजबूत हो। और हो सकता है कि किसी जंग की वजह भी बन जाए, ये भी हो सकता है। बहुत सारे अरब मुल्क जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट लाए हैं, एक बहुत बड़ा चेंज आया है उसमें। अबू धाबी वर्सेस टेल अवीव, इस तरीके से जॉर्डन और बाकी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे अरब कंट्रीज जो हैं, उन्होंने उस चीज़ को, उस चीज़ से मैं कहूँगा एक कदम आगे कहें या उससे पीछे कहें, उस नैरेटिव से जो फलस्तीन के लिए किया जाता था कि यार ये एक जिसे कहते हैं कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और इसके ये पाकिस्तान अब भी बोल रहा है एक अरब कॉन्फ्लिक्ट है, एक अरब की दूसरे इसराइल से लड़ाई है, उस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान घुसा, बोला कि भाई हमारा, हम नहीं इसको रिकॉग्निशन देंगे, हम इसके साथ नहीं जाएंगे भले ही दुनिया चली जाए। क्या पाकिस्तान सऊदी अरब से ज्यादा इस्लामिक है? अहम विजिट हो रहा है दुनिया में इस वक्त, और वो विजिट है प्रेसिडेंट बाइडेन का मिडल ईस्ट का। इसराइल जब वो पहुंचे तो इसराइल में उन्होंने अमेरिका साइंड यरूशलम एग्रीमेंट विद इसराइल अगेंस्ट ईरान, तो ईरान के खिलाफ, उनके जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ, और इसलिए कि ये कहा गया है प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि अगर उन्होंने इसको ना रोका तो वो ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये भी बात कह दी गई है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। 1970s से ही अरब कंट्रीज इसराइल से कोजी अप हो रहे थे और अब तो बहुत ज्यादा, बहुत फास्ट स्पीड से हो रहे हैं। जल्दी ही सऊदी अरेबिया इसराइल से, जिसे बोलते हैं, फुल डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स भी बना सकता है। अब ये कि बातें अब खुल के हो गई है, एयर स्पेस उन्होंने पहले भी, उनकी जो फ्लाइट्स अबूधाबी के लिए जा रही थी इसराइल की, वो स्पेस यूज किया, यूज कर रही थी सऊदी अरेबिया की, लेकिन अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गई है कि भाई कोई भी हमारी एयर स्पेस से जो उनकी जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो गुजर सकती हैं, बाकी तो कोई नहीं है। मतलब इसराइल इज द ओनली कंट्री इस उस रीजन में कि जिनके जहाज अलाव नहीं थे उस एयर स्पेस को यूज करते हुए, और पहले शायद उनको जरूरत भी नहीं थी क्योंकि अरब दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात ही नहीं थे। अच्छा, इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि जो ईरान है,
अमेरिका की जो रिजर्वेशंस हैं या जो प्रेसिडेंट बाइडेन का कहना है वो ये है, ये भी है इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि ईरान रशिया को ड्रोन्स फराहम कर रहा है या करने वाला है या उसका ये प्लान है, और अमेरिका ये नहीं चाहता कि ईरान रशिया को ड्रोन्स प्रोवाइड करे। इसकी वजह यह है कि रशिया वो ड्रोन्स यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा और वो उसको देगा ही इसलिए, और रशिया चाहता ही ये है। पर मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है क्योंकि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारा अफगानिस्तान के साथ रहा है उस पे 2-2.5 लाख के करीब फोर्सेस डिप्लॉय थी। यकीन करें मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ था, हमारे जो कैजुअल्टीज हो रही थी वो तो हो रही थी, वो भी हुई, इसके साथ साथ हमें फाइनेंशियली भी बड़ा उसमें लॉस उठाना पड़ा क्योंकि नॉर्मली तो आप अपनी फौज को अपने मतलब बैरिक्स में या वहां रखते हैं, अगर कोई ऐसी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो आप उनको वहां पे डिप्लॉय करते हैं, लेकिन अगर वो मुसलसल डिप्लॉय हो उस कंट्री के अंदर या उस एरिया के अंदर तो यकीनन आसान काम नहीं है उनको मतलब चलाना, उनके लिए फिर बाकी चीजों का अरेंज करना। कैसा लगता है कि इस अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट या जो भी ब्लॉक्स बन रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत शायद इंडिया को पेश आए? इसकी वजह यह है कि इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका से भी बन चुके हैं अब तो, पहले अगर होता तो कोई और बात होती क्योंकि जाहिर है कि फिर तो रशिया का ही साथ, अभी भी ऐसा ही होगा, अभी भी ऐसा ही होगा कि इंडिया भारत रशिया के साथ ही जाएगा, लेकिन इस सिचुएशन में कि अगर किसी को करना पड़े यानी ये मौका आ जाए कि आप या इधर या उधर एक के साथ जाएंगे और दूसरे के आपको खिलाफ जाना पड़ेगा, तो फिर उस सूरत में तो मेरा अपना तजिया ये है कि भारत उसका वो रशिया के साथ जाएगा और उस पर कोई उसको कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि उसकी तो हमेशा से और... कि पाकिस्तान के अंदर एक तो मतलब डेमोक्रेसी हम कहते हैं लेकिन नाम की है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, डेमोक्रेसी भी है, मुल्ला इन पावर भी है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं इस किस्म के, जिसकी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमारा हमारे लिए मतलब जीने मरने का एक सीन है, इसराइल को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि जब सऊदी अरेबिया कोई काम कर लेता है तो पाकिस्तान वो चीज़ ना चाहते हुए भी मैं ये कहूँगा कि वो करता, और उस तो आप ये देख लीजिए कि ब्लॉक्स किस तरीके से बन रहे हैं, यानी ये कि जो अमेरिका चाइना वो एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं आप जानते हैं, इंडिया और चाइना एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं वो भी आप जानते हैं, पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को किस नज़र से देखते हैं वो भी आप जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, अमेरिका भी कभी ना कभी पाकिस्तान का अलाय जो है वो रहा है, लेकिन ब्लॉक है उसमें अमेरिका चाइना पाकिस्तान और ईरान तो इकट्ठे होंगे ये ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है कि इंडिया अमेरिका के साथ ना हो, क्योंकि इंडिया की तो अमेरिका के साथ भी बड़ी अच्छी है। ऐसे हो गई है कि सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो या दुनिया के दूसरे कंट्रीज हो, अरब कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे किंगडम है और वहां पे वो जैसा फैसला करते हैं, एक बादशाह है वो फैसला करता है और उसके बाद बस ठीक है लोगों को मानना पड़ता है। और एमडीएस के बारे में आपको यकीनन पता होगा, एक मतलब मजबूत किस्म के बादशाह हैं इस वक्त, हालांकि बादशाह बने नहीं ऑफिशियली लेकिन ऑर्डर्स उन्हीं के चलते हैं। तो एक तरफ जिस तरीके से चाइना खुलेआम चैलेंज कर रहा है इस्लाम को, खुलेआम चैलेंज है कोई पे, खुलेआम चैलेंज है कि ठीक है जिसका दुनिया में जिसके अंदर में दम हो आकर के हमको जवाब दे करके दिखा दो, या हमारे ऊपर कुछ भी पाबंदी लगा के या हमसे बिजनेस खत्म करके या हमको क्रिटिसाइज करके भी दिखा दो, कोई डर नहीं है चाइना के अंदर। दूसरी तरफ सऊदी अरब जैसे देश को आप देख लो, जिसकी ये जो पूरा अपना सब कॉन्टिनेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे तो 70 सालों से हम सिर्फ मिसालें ही सुनते आ रहे हैं, इतनी मिसालें दी जाती हैं, वो तो ऐसा है वो तो वैसा है, इतना बढ़िया उतना बढ़िया, वहाँ पर भी जब से मोहम्मद बिन सलमान आए उसके बाद से क्या ज़बरदस्त तरीके से आप देखो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो चीज़ें कोई कभी सोच भी नहीं सकता था वो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, बाकायदा वहाँ पर डांस पार्टी चल रही हैं, बाकायदा वहाँ पर सब कुछ, जो जो एक मिसाल दी जाती थी कि वहाँ पर ये करोगे तो वहाँ पर गला उड़ा दिया जाएगा, ये करोगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, ये करोगे तो ये उड़ा दिया जाएगा, फलान ढिमकाना, सब चीज़ें आजकल वहाँ पर चल रही हैं। और उससे भी ज़्यादा जब ये न्योम सिटी बन जाएगा उसके बाद तो फिर हदें ही पार हो जाएंगी, तब तो पता नहीं ये हिंदुस्तान पाकिस्तानी पूरे तबके में फिर कितनी मिर्चियाँ लगेंगी। खैर अब सवाल ये है यहाँ पर कितने मुंह हैं जो बोलेंगे, यहाँ पर कितने लोग हैं जो आकर के विरोध प्रदर्शन, यहाँ पर हम देखते हैं पहले तो हिंदुस्तान में भी देखते थे बाकायदा मैक्रॉन के जगह जगह सड़क पर उसके चेहरे के चिपकाए जा रहे हैं कि लोग उसके ऊपर जूता चलते हुए निकले, गाड़ियाँ कुचलते हुए निकले, सब कुछ उसके ऊपर होते निकले, हम देखते हैं जिनपिंग के कितने के दिख जाते हैं,
हालांकि इसको हम लोग प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन अगर एक तरफ का हुआ है, एक तरफ में हुआ ना, कैसे कर लिया उतना सब, तो फिर इधर भी करके दिखाओ अगर वाकई में हिम्मत है, अगर वाकई में इतना ही ज़्यादा रिलीजन प्रेम है, इतने ज़्यादा मजहब प्रेम है, तो फिर सब होना चाहिए क्या? कोई ये तो कम से कम नहीं कह सकता कि जो चाइना कर रहा है वो बहुत ही अच्छी कोई चीज़ कर रहा है इस्लाम के लिए, या कोई बहुत ही उसको प्रमोट करने वाला काम, ही उसमें बहुत ही ज़्यादा बड़प्पन दरिया दिली दिखा रहा है। क्या हो रहा है आप जब देख रहे हैं वहाँ पे, कोई दाढ़ी दाढ़ी वाला निकलता है तो उसकी दाढ़ी काट दिया थी, बुरखे में बुरखे काट दिए, छोटे छोटे फ्रॉक बना दिए थे, क्या मस्जिदों को बाकायदा वहाँ पर बोलते हुए भी यहाँ पर शर्म आती है कि टॉयलेट कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब इस हद तक चाइना जा रहा है और यहाँ पर कोई कुछ बोलता ही नहीं, ऐसा क्यों है? इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।